बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने इस चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो पेज नंबर 95 पर हमने 94 पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कुछ ऐसे उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को हमने फाइंड किया था। अब बेटा आज हमने क्या करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है लेकिन अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बेटा। और ये टॉपिक आपका लिखा हुआ पेज नंबर 95-96 पर। बेटा हमने कल पढ़ा था सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के कैसे फाइंड करते हैं, उनकी जो हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो हमने कहा था कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल वो सारे सिमेट्रिकल थे। अब आज हमने अनसिमेट्रिकल या इरेगुलर, आप इसे इरेगुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कैसे फाइंड करना है। तो सपोज हमारे पास एक शेप है इरेगुलर शेप है, ठीक है। और इसके लिए उसने यहाँ पर 4 होल्स बना दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। लेट्स सपोज इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल या इरेगुलर एक ऑब्जेक्ट है और इसका हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, इस पे ऊपर इसके जो एंड सेंसर है, ये वाला एंड हो गया, ये वाला एंड हो गया, ये वाला और ये वाला, इन पे आप स्लॉप कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे। तो आप जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट आप चाहिए बेसिक लिखा होगा कार्डबोर्ड, ठीक है। और नेल्स, नेल यानी कील होते हैं वो आप इसके अंदर रिक्वायर होंगे। और अब आपने करना क्या है कि इस जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर 4 सुराख कर लिया आपने। अब आपने इसको उठा के कार्डबोर्ड के साथ अटैच कर देना। सपोज हमारे पास ए पॉइंट है, इसको हमने उठाया और ऐसे ही पेज पर जाके फिक्स कर दिया। तो बेटा इसके अंदर जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए जो ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है उसका नाम है प्लंब लाइन। प्लंब लाइन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं। बेटा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले आप पता होना चाहिए प्लंब लाइन होती क्या है। तो बेटा इसकी शेप इस तरह होती है, उसमें ये कोई भी एक रस्सी होती है स्मॉल, ठीक है, और उसके एक साथ एक मेटल बॉल लगी होती है, मेटल बॉल, ठीक है। अब यह प्लंब लाइन होती है। अब आपने करना क्या है कि इस प्लंब लाइन को आपने यहाँ पर लगा दें ए पॉइंट के ऊपर, तो क्या करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग करना शुरू कर देगा, ऐसी है ना, ठीक है बेटा। जब आपने इस प्लंब लाइन को इस ए पॉइंट के ऊपर फिक्स किया तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ हैंग करना शुरू कर देगा। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से वहां पर निशान लगा देंगे, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर प्लंब लाइन लगाया और इसकी जो लाइन आ रही है वो लाइन आ रही, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है और आपने इस प्लंब लाइन को क्या करना है, इस बी पॉइंट को यहाँ पर लगा देना है, इसको ऐसा कर देना है, ठीक है। और प्लंब लाइन को फिर यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। जब आप बेटा प्लंब लाइन को यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये प्लंब लाइन के लिए जो लाइन आएगी वो इस तरह आएगी, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है प्लंब लाइन को, इसे उठा के फिर आपने क्या करना है, सी पॉइंट के ऊपर लगा देना है। जब बेटा आप सी पॉइंट के ऊपर लगाएंगे तो इसकी जो लाइन आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन आ रहा है वो ये वाला है, बी की लाइन भी इसके साथ मिल रही है, ए की लाइन भी इसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, सी भी इसी लाइन पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा इस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप इसमें करना क्या है, आपने इसके अंदर एक लेना है इरेगुलर ऑब्जेक्ट हमारे पास ये वाला है, उसके जो एंड से एंड वाले पॉइंट वहां पर आपने क्या करना, होल कर देना है,
ठीक है, उनको नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी, ठीक है। और क्या करना है कि एक प्लम लाइन लेनी, प्लम लाइन एक मैंने बताया कि एक रस्सी होती है, उसके एंड पे एक बॉल लगी होती है मेटल बॉल, वो जब उसको हैंग करेंगे वर्टिकली तो वो क्या बन जाएगी, प्लम लाइन बन जाएगी। अब आपने करना क्या है, पहले आपने इस प्लम लाइन को उठा कर लगा देना है ए पॉइंट के ऊपर, जाहिर बात है उसको ऐसे हैंग करेंगे तो ये डाउनवर्ड ये प्लम लाइन ऐसे रखेगा नीचे की तरफ, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ पर ये प्लम लाइन आ रही है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस प्लम लाइन को यहाँ से रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद आपने इस बी पॉइंट के ऊपर प्लम लाइन को लगा देना है। इसको बोला आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है ऐसे, क्लियर है, इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस पोजीशन पर ले आएंगे तो आपके लिए शेप आ जाएगी। जब आप इसको रोटेट कर यहाँ पर लेके आएंगे तो फिर आप बी पॉइंट के ऊपर फिर इस प्लम लाइन को अटैच करेंगे। जब आप इस प्लम लाइन को यहाँ पर अटैच करेंगे तो होगा क्या कि ये वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लग तो आप हॉरिजॉन्टल रहे लेकिन उन्होंने क्या किया इसको ऐसे टिल्ट कर दिया है। जब टिल्ट करेंगे तो बी पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और फिर ये नीचे तरफ हैंग करेगा, ठीक है। इसी तरह हमें सी के साथ करना है, सी को पहले आप इस पोजीशन पे फिक्स करेंगे, ठीक है। इस पोजीशन पे फिक्स करने के बाद आप इसे हैंग करेंगे तो ये लाइन इस तरह बनेगी, ठीक है। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर एक कॉमन लाइन हमारे पास आ रही है, एक कॉमन पॉइंट आ रहा है वो ये वाला पॉइंट, और इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पूरी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है बेटा। और इसके लिए जो आपने करना है ये एक्सपेरिमेंट, आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है प्लम लाइन क्या होती है, वो प्लम लाइन आप बतानी है, ठीक है। अब इसके जो आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसका आपने पेज नंबर 95 से शुरू हो रहा है और पेज नंबर 96 पर इसका एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में करना है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक 96 पर कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है वो है कपल, पेज नंबर 96 पर है, इसका नाम देंगे कपल का। अब आपने देखा होगा जो ड्राइवर्स होते हैं कार, जब कार चलाते हैं तो उसका स्टीयरिंग होता है, ठीक है। अब स्टीयरिंग को जब आप कार टर्न लेते हैं तो स्टीयरिंग का एक पार्ट डाउनवर्ड जा रहा होता है, एक पार्ट जो है वो अपवर्ड आ रहा होता है। लेट्स सपोज मैं आपको स्टीयरिंग बना के, ये हमारे पास स्टीयरिंग है, सपोज ये हमारे पास क्या है, कार का स्टीयरिंग है। अब क्या करें, जब आप कार को रोटेट करवाएं तो आप इस क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे इस पार्ट को, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ रोटेट कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। तो बेटा ये देखिए दोनों फोर्सेस हैं, ये F1 है और ये फोर्स कौन सी है, F2। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। कि अगर आप यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो ऐसे फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ओपोजिट हो, ऐसी दो फोर्सेस को हम कहते हैं कपल, ठीक है। तो इसके अगर मैं डेफिनेशन आपको लिख दूँ, कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कपल किससे बनता है, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के कम्बिनेशन से बनता है ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो आप इस डेफिनेशन देख सकते हैं, ये पेज नंबर आपका 96 पर लिखी डेफिनेशन के वाली,
A couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude. दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्स जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी. तो बेटा ऐसी फोर्सेस को हम नाम देते हैं कपल. ठीक है बेटा. अब हमने नीचे देखें कि एक एग्जांपल दी है कार स्पैंडर की. अक्सर हम देखा होगा कि जो कार को टायर को खोलने के लिए हम स्पैंडर इस्तेमाल करते हैं उसके चार रूप होते हैं. सपोज ये हमारे पास स्पैंडर है ठीक है और इसका मैं नाम लिखा हुआ है कि ओ पॉइंट ए और ये बी. ठीक है बेटा. अब वो कहते क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसके अंदर वो नट को फिट करते हैं फिर ऐसे वो क्रिएट करते हैं. ठीक है. अब हमने इसको क्या करना है इससे नट को लूज करना है. हम क्या करेंगे ए पॉइंट के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे हम सपोज एफ वन की डायरेक्शन है डाउनवर्ड तो ऑटोमेटिकली ये जो हिस्सा है बी वाला कि क्या किस तरह चला जाएगा ये बेटा अपवर्ड चला जाएगा ये बन जाएगा एफ टू. ऐसी बेटा दोबारा सुन लें ये स्पैनर है हमारे पास जिसका नाम है जिसका सेंटर पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी. अब यहाँ पर होगा क्या कि जो ए के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड की तरफ तो एफ वन की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड लेकिन ऑटोमेटिकली जो बी पार्ट है जिस पे एफ टू फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऊपर की तरफ हो जाएगी. अब बेटा आप देखेंगे तो अगर आप इसे कपल कैलकुलेट करना चाहें तो कपल इज इक्वल टू बट इसमें कपल प्रोड्यूस हो रहा है ना पूरे सिस्टम के अंदर कपल प्रोड्यूस हो रहा है तो इस कपल को क्या लिखेंगे पहले आप लिखेंगे फोर्स एफ टू. एफ टू मल्टीप्लाई बाई बेटा किस पार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है ओ बी के ऊपर तो ये आ जाएगा एफ टू मल्टीप्लाई बाई ओ बी बीच में आ जाएगा प्लस ऐसी है. और यहाँ पर देखिए एफ वन मल्टीप्लाई ओ ए इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है. क्लियर बेटा. बारह रिपीट कर देते हैं हमने कपल कैलकुलेट करनी है. कपल दो फोर्सेस के बराबर होता है तो हमारे पास यहाँ पर दो फोर्सेस हैं एक ओ बी तक है और एक ओ ए तक फोर्स है. ठीक है बेटा. हम करेंगे क्या कि कपल के लिए आप दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो आप लिखेंगे सपोज एफ टू जो फोर्स है एफ टू मल्टीप्लाई करेंगे किस इसकी लेंथ के साथ आपने पढ़ा होगा टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल. ठीक है बेटा. तो ये बेसिक जो कपल है ये टॉर्क की इक्वली आता है. अब यहाँ पर देखें फोर्स हमारे पास है इस पॉइंट के ऊपर एफ टू और जो बेटा इसकी लेंथ है लेंथ किसके इक्वल है ओ बी के इक्वल ऐसी ना इसको हम लोग देख सकते हैं एफ मल्टीप्लाई बाई एल. ठीक है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं. इसी तरह जो इस पॉइंट के ऊपर जो टॉर्क एड करेगा वो क्या होगा एफ वन फोर्स है और उसकी लेंथ है वो है ओ ए लेंथ है. तो अगर आप ऐसे कॉमन निकालें तो कॉमन क्या चीज निकलेगी बेटा यहाँ से यहाँ पर आपने कहा फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है सेम है तो आप लिख सकती हैं एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो आप एफ वन एफ टू को एफ के बराबर ही लिख सकते हैं. तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाई ओ बी बीच में आ जाएगा प्लस एफ मल्टीप्लाई बाई ओ ए. ठीक है. अब बेटा कॉमन क्या चीज आ रही है कॉमन आ रही है फोर्स और अंदर क्या है ओ ए प्लस ओ बी इसको अपनी रीडिंग करके लिख सकते हैं. ठीक है. अब बेटा आप ये बताएंगे कि जो ओ ए और ओ बी है ये किसके बराबर है. ठीक है. ओ बी और ओ ए टोटल लेंथ कितनी हमारे पास ए यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए भी लेंथ है ना तो उन्होंने इसको हाफ पार्ट में पहले डिवाइड किया था कि ओ बी को और ओ ए को लेकिन दोनों किसके बराबर हैं दोनों ओ ए प्लस ओ बी ये बराबर हैं ए बी के. ठीक है बेटा. तो ये हमारे पास आ गया कपल इस स्पैंडर के लिए. तो बेटा ये आप कैलकुलेशन भी आ सकती है कि जो कपल के लिए आप कैलकुलेट करें स्पैनर के लिए कि आप उस पर कपल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. आपने इसमें कपल की डेफिनेशन कर दी है उसका आप कंसेप्ट होना चाहिए कपल होता क्या है कि कपल की तरह आप कहते हैं कि कपल हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जिसकी जिसमें दो फोर्सेस होती हैं जिनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होती है ऑपोजिट होती है लेकिन
मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद आपने इस पैनल वाले को इसमें एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है बेटा, आज तक इतना ही, क्योंकि हमने पेज नंबर 95 और 96 तक ये टॉपिक कर लिया है। ये कपल एज ए शोल्डर कर सकते हैं, ठीक है। और जो पीछे एक्सपेरिमेंट है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इन डायगोनल शेप या अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, तो बेटा उसको आप ऐसे नॉन क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।